तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जियांग बता रहे होते हैं कि जो ब्रेसलेट है मुझे अपनी एनर्जी को इनपुट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है एनर्जी ओवरफ्लो ना हो इस वजह से एनर्जी को रिमूव करने के लिए कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं वो तुम्हारे पास है कि नहीं, और मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कंटेनर नहीं होगा तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को तुम्हें बड़ा मतलब जो है एनर्जी का एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो विजदाजी कहती है चलो कंटेनर तुम्हारे पास है तो दे दो। जियांग कहता है मेरे पास तो नहीं है पर शायद तुम्हारे पास ज़रूर होगा। जीशा कहता है अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल तो मेरे पास है तो ज़रा रुको ज़रा, और वो अपने पास से निकालता है तो वो टूटा हुआ होता है। जीशा काफ़ी उदास हो जाता है और कहता है अरे नहीं यार ये तो पूरी तरह से शैटर्ड हो गया है और ये ब्रेसलेट की तरह ही हो गया है। जियांग कहता है आखिर अर्थ पर चल क्या रहा है ये। तभी यहाँ पे कीकी और लूलू आते हैं और यहाँ पे कीकी और लूलू से दाजी कहती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ नीचे क्यों आ गई। देन जीशो कहता है कि थैंक गॉडेस और कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल भी तुम्हारे पास होगा ना, तो मुझे क्या तुम वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल दे सकती हो। जी अपना कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल जो है जीशो को दे देती है और यहाँ पे जीशो कहता है तुमने मुझे बचा लिया। और यहाँ पे जो ग्रैंड पा कहता है बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे वो बताते हैं जो जीजी है मतलब जो कीकी है वो जो प्रोसेस कर रही है अभी, सिलेक्शन प्रोसेस जो हो रही है अभी वो लाइवुड के साथ, अगर किसी ने उसको इंटरप्ट किया यानी उसको किसी ने डिस्टर्ब किया या उसको आवाज़ दी कीकी करके तो अचानक से जो कीकी है वो मारी भी जा सकती है, उसकी जान भी जा सकती है ये सिलेक्शन प्रोसेस होने के द्वारा। देन यहाँ से आवाज़ आती है और कोई बड़ी खतरनाक सी आवाज़ में कहता है डोंट वरी ओनर, कोई ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं करेगा। और यहाँ पे जो रहते हैं लिंगशाओ और जिंग आ जाते हैं। जीशो कहता है अरे लिंगशाओ और जिंग, तभी लिंगशाओ से कहते हैं और यहाँ पे लिंगशाओ कहते हैं कि जैसे कि मैंने तुमसे कहा था जीशो कि जैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा तो मैं जो है तुम्हारे हेल्प करने के लिए आऊँगा। और तभी जीशो जिंग से कहता है जिंग तुम काफ़ी लंबी लग रही हो और आप सबको लग रही तो कमेंट में बताना ज़रूर। जिंग कहती है हम काफ़ी दिनों बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। तभी जियांग कहते हैं चलो ऑल राइट आप सब कुछ ठीक हो गया है तो लिंगशाओ और इसको पकड़ लो या फिर लेट जाओ, वो कहते हैं जीशो से। तभी जो हमारे ग्रैंड पर रहते हैं जीशो से कहते हैं उसको लेटालने के बाद कि जैसे ही मैं ये डालूंगा मतलब ये ऐसी करूंगा तो मैं कुछ नहीं करना है ना अपनी बॉडी को मूव करना है ना ज़्यादा इससे फाइट करने की ज़रूरत है, क्या तुम तैयार हो मैं ये अंदर डाल रहा हूँ या फिर अंदर जा रहा हूँ, कुछ भी करके बोलता है एनर्जी को इनपुट कर रहा है। और यहाँ पे जीशो कहता है हाँ क्यों नहीं। देन जो हमारे ठरकी ग्रैंडपा होते हैं वो अपनी रॉड को कोई और ही जगह में डालने लगते हैं और एनर्जी को इनपुट भी कुछ और ही जगह पे करने लगते हैं। ताजी जो रहती है वो वक्त रहते समझ जाती है और जो ग्रैंडपा है उसके प्लान को नाकाम होने दे मतलब जो है उसको नाकाम कर देती है ग्रैंडपा के प्लान को। ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा ठीक है। ग्रैंड पा कहते हैं चलो फाइन अब जाओ जाके अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। और फिर वो जो लिंगशाओ हंसने लगते हैं और कहते हैं मुझे पता था और यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है सीनियर और यंग मैन आप दोनों काफ़ी मजा किया हो। और तभी सिंह भी कहती है हा 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 एग्जैक्टली बहुत मज़ा किया है। जीजी कहती है कि ये जो एनर्जी है वो करके है सिंगल सेकंड ये मजाक करना यहाँ पे बंद करो, वो कहता है इसके बारे में चिंता मत करो। और यहाँ पे जो लिंगशाओ होते हैं वो कहते हैं और एनिमी की चिंता मत करना, एनिमी अब जिंदा नहीं बचेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा कुछ प्रिपेयर कर दिया है और सब कुछ छोड़ दिया है। अब यहाँ पे उसके छोड़ने का मतलब स्पाइडर से था क्योंकि यहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा स्पाइडर बनाए हैं। और यहाँ पे लिंगशाओ बताते हैं कि उन्होंने स्पॉनेबल सर्वेलियंस हेड बनाए हैं और उनमें अपना डोजन भी छोड़ा है जिसकी वजह से वो स्प्लिट होते रहेंगे और ऑलमोस्ट 10,000 कैमराज बन सकते हैं। और यहाँ पे लिंगशाओ बताते हैं कि उनकी जितनी भी आईस है वो चारों तरफ फैल गई है और मतलब 1,000 meters के रेडियस में वो अपनी सारी आंखों से कुछ भी देख सकते हैं। और यहाँ पे यांग यिंग कहता है ऑलमोस्ट देर बस हो गया और यहाँ पे वो कहता है लाइव वुड। और यहाँ पे युआन यिंग जो रहता है अपनी पावर को यूज़ करते हुए कहता है अब मैं यहाँ पे सब कुछ ख़त्म कर दूंगा और वो जो है रिपेयर हो रहा होता है, रिपेयर बोल रहा हूँ मतलब रीजनरेट हो रहा होता है। युआन यिंग कहता है आखिर अब जाके जो है मेरा डीलिंग ख़त्म हुई फॉक्स के साथ, अब जाके मैं अपना सब कुछ क्लियर करूँगा। और यहाँ पे वो कहता है अब पक्का डेफिनेटली ओल्ड मंक को पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे वो कहता है कि अब जाके उसने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है और ऑलमोस्ट 100 ईयर का जो है पावर वाला सोर्स कुछ बना लिया जिसकी वजह से वो सभी को मार डालेगा, पर यहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे उसको वरना उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पर बेचारा वो जैसे ही अपने उसको क्रिएट करने लगता कि तभी पीछे से दो मकड़ी मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि लिंगशाओ के रहते हैं और वो वहाँ पे उसको मार डालते हैं। मारते तो नहीं है, बेचारे का एक हाथ और पैर कटा हुआ है युआन यिंग का, तो उसके सामने काफ़ी सारे स्पाइडर मॉन्स्टर रहते हैं, अब वो उन सभी को तो एक साथ नहीं हरा सकता। और तभी यहाँ पे वो कहता है युआन यिंग मतलब वो गोल्डन बॉय कि मेरे से दूर हटो।
पर यहाँ पे पता ही नहीं क्या होता है, और उसके ऊपर वो क्वाड्रॉन कह देता है, फिर उसकी वजह से वो मारा जाता है। और यहाँ पे वो कहता है हमारा लिंगशाओ बहुत बढ़िया किया स्पाइडर। तभी जीजी लिंगशाओ से पूछता है आखिर मैटर क्या है, और यहाँ पे वो कहता है मैंने बस ज़्यादा कुछ नहीं, वो युआन युंग को मार दिया है। और सॉरी सॉरी दोस्तों, वो क्वाड्रॉन के नीचे आके दब के मारा नहीं है, असल में जो है वो बताते हैं लिंगशाओ कि असल में वो क्वाड्रॉन है, उसके ऊपर गिर गया है, वो उसको कैरी कर रहा है। पर चिंता करने की कोई बात नहीं, लिंगशाओ उसको पकड़ लेगा और फिर दोबारा से उसको मार डालेगा। जो जिंग होती है वो कहती है कि असल में वो करेगा क्या लाइवुड का। लिंगशाओ बताते हैं असल में वो नाइन जेट ऑफ क्रिएशन है, और उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सबको पता है। और यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं वो येन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तभी वो यहाँ पे अपना काम कर रहे होते हैं जीशो को लड़की से लड़का बनाने का, और कहते हैं जीशो जल्दी से अपने कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल को ओपन करो। जीशो जैसे ही अपने कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल को ओपन करता है तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो उसके कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल के अंदर जाता है तो वो कहता है बस अब इसको ओपन मत करना कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल को, और एक्सप्लोड हो जाएगा। जीशो कहता है हाँ ठीक है। और यहाँ पे वो जो रहती है हमारी वो लड़की जो की रहती है, वो कहती है थैंक्स गॉडेस, थैंक गॉडेस जीशो तुम वापस से एक लड़का बन गए। दाजी कहती है ये लड़के तो काफ़ी क्लोज आ रही है मेरे हनी के, और वो कहती है पर मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे हनी के फादर के फादर के फादर के फादर के फादर के फादर की मदर है। और यहाँ पे वो जो लड़की रहती है मुँह फुलाते हुए कहती है दाजी तुम मेरे हनी से मतलब अपने हनी से खुश नहीं हुई कि वो दोबारा से एक लड़का बन गया है। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे वो जल्दी से रोते हुए चिपक जाती है जीशो से और कहती है हनी तुम वापस आ गए और लड़का बन गए और मैं काफ़ी खुश हूँ। पर यहाँ पे इस बात से हमारी ये लड़की काफ़ी खुश नहीं होती, या पता नहीं ये कैसा रिएक्शन दे रही है, एक आंख से देख रही है। और यहाँ पे जीजी कहती है कि हाँ ये ऑब्वियस है, क्योंकि जीशो जो है फ्यूचर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमारा लिंगशाओ कहता है मुझे नहीं लगता कि जो हमारे जीशो की ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर की ग्रैंड मदर की ग्रैंड मदर, वो उससे मतलब वो दाजी से खुश नहीं हुई है। और यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं चलो अब हम लीव कर सकते, वो जो कीकी है वो लीव कर सकती है, सोल फ्यूजन उसका कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं और कोई बस दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे सीजी कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो एनर्जी का जो ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से जितने भी प्लांट थे वो ग्रो होके बहुत लंबे हो गए हैं। और यहाँ पे लिंगशाओ बताते हैं कि जैसे वो ब्लास्ट हुआ है तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा कि ये जो ब्लास्ट हुआ है वो जो है लाइवुड से हुआ है, और वो यहाँ काफ़ी तेज़ी से बस आने ही वाले होंगे। जीजी कहती है कि मेरे ख्याल से इतना है कि जो भी है सारे लोगों को अब पता चल गया होगा और वो काफ़ी जल्दी इसकी लोकेशन ढूंढ लेंगे और फिर ये एक्सपोज हो जाएगा पूरी जगह। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम बिल्कुल स्मार्ट हो। लिंगशाओ कहते हैं नहीं हम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। वो कहते हैं ग्रैंडपा क्या रियली? और यहाँ पे ग्रैंडपा उनकी तरफ कहते हैं कि वो देखो सामने की तरफ जहाँ पे वो सारे लोग मस्ती कर रहे होते हैं और चुड़िया के साथ खेल रहे होते हैं, और कहते हैं चुड़िया तो मस्त है यार। और यहाँ पे जीशो दाजी बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं ग्रैंडपा उन सभी से कि ज़रा देख सकते हो कि तुम्हें देख के लगता है कि वो लोग बैटल के लिए तैयार हैं आने वाले वाली आगे आने वाली बैटल के लिए? तुम दोनों ही हो जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो वो सारे इडियट्स से। और यहाँ पे जो लिंगशाओ कहते हैं मेरे को पता है सीनियर जाजी ज़रूर अवेयर होंगे इस सब चीज़ों से। तभी यहाँ पे वो लड़की जीशो के पीछे से निकलती है और कहती है मुझे बता सकते हो लिल जीशो? वो कहता है क्या? और यहाँ पे उस लड़की का नाम नहीं होता तो जीशो कहता है वैसे आपका ना ये आपको मैं क्या कहूँ मैम। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि अब जबकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनरेशन के जाने के बाद और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के होने के बाद साउंड तो एंसेस्टर की या फिर ग्रैंडमा की निकलती है, तो तुम तो मुझे ग्रैंड पे एंसेस्टर बुला सकते हो। और यहाँ पे वो कहती है तुम मेरे को बस एंसेस्टरेस बुलाओ। तुम क्या सोचते हो जीशो? जीशो कहते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा एंसेस्टर्स एंसेस्टरेस, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं काफ़ी खुश हूँ। दाजी भी कहती है हेलो एंसेस्टर्स। तभी वो कहती है तुम मुझे ऐसे नहीं बुला सकती, अभी तुम मैरिड नहीं हो, तो मुझे आप बताइए कि मैं आपको क्या बुलाऊं जिससे आपको अच्छा लगे। वो कहती है मुझे नहीं पता तुम बताओ। और यहाँ पे दाजी कहती है वैसे सही सही बताओ, मैं तुमसे जो है काफ़ी ज़्यादा साल पुरानी हूँ, करीब 10,000 ईयर तो हूँ तुमसे ज़्यादा, और मैं तुम्हें कुछ भी नाम से बुला सकती हो तो ठीक है। फिर दाजी कई सारे नाम बताती है, लिल भाई, लिल स्नेक, बाई बाई और स्नेक ड्यूमिंग, पता ही नहीं क्या क्या नाम बताती है। तभी यहाँ पे वो हैरान हो जाती है, जीशो कहता है इसकी बातों को सीरियस मत लो। जीशो जो रहता है वो कहता है मैं इससे शादी करने के बाद ये तो मैं वो एंसेस्टर्स के नाम से बुला सकती है, सही है कि नहीं? तो वो लड़की कहती है पर मुझे अभी क्वेश्चन पूछने हैं दाजी से। और यहाँ पे वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कुक करना आता है, क्या तुम वर्जिन हो और क्या तुम वीविंग हो, और वो कहती है क्या तुम्हें क्लीन आता है, क्या तुम घर के काम कर सकती हो वगैरह वगैरह।
तो ये क्वेश्चन सुनने के बाद हमारी दाजी के तो पसीने छूट जाते हैं। जीशो उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और वो कहती है तुम फेल हो गई, 100 में से 20% मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ पे जो जीशो रहता है वो कहता है एनसिस्टर ऐसा मत करो, और यहाँ पे वो कहती है चिंता मत करो, मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रही थी, मैं उस कम बैक फहाई की तरह तो नहीं हूँ, पर देख के लगता है कि तुम कम्प्लीटली इनकम्पिटेंट हो। और यहाँ पे वो कहती है मैं जाऊँगी और मेरे लिल शाओ शाओ को ढूंढूंगी प्रॉपर और उसकी वाइफ बनूंगी और उसके बाद तुम्हारा भी सेटल कर दूंगी। दाजी और जीशो कहते हैं नहीं ऐसा मत करो। चलो यहाँ पे एपिसोड का एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा, पीस, गुड बाय।